स्वागत है। और आज है 12 अगस्त, आज है कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है आज। तो आज आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप जिस भी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जो भी बोल के सेलिब्रेट करते हैं, आपको उसी तरीके से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे आप जन्माष्टमी पर भोग की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप बना सकते हैं, क्या है जो श्री कृष्ण जी को पसंद है। तो जन्माष्टमी के दिन पर बनाई जाती है धनिया की पंजीरी, या तो आप आटे की पंजीरी भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी इस व्लॉग में। इसके साथ ही आप नारियल पाक, या आप बोल सकते हैं पंचमेवा पाक भी आप बना सकते हैं। चरणामृत से उपवास खोला जाता है, तो उसके लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और आपका मतलब जो भी खांड या शक्कर आप लेंगे, और तुलसी का पत्ता। तो तुलसी के पत्ते को आप सूरज ढलने से पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि शाम के समय पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो वो आप तोड़ के साफ करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी मीठा पदार्थ बना सकते हैं। तो वीडियो के व्लॉग को पूरा देखिएगा, और इससे आपको पूरी मदद मिलेगी कि आप कैसे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने धूप बत्ती लगा दी है, आप भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे मेरा मंदिर है छोटा सा, जो मैंने यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, कन्हैया की मूर्ति मैं चलाने वाली हूँ। और यहाँ पे ये मेरा थाल है जिसमें शुभ लाभ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये थाल मैंने पहले खरीदा था, अब मैं इसको हमेशा इसके लिए यूज करती हूँ पूजा के लिए। और इसमें सिंदूर और अगरबत्ती और धूप लगाने का अच्छा प्रावधान है। और यहाँ पे मैंने एक अलग से सुंदर सी ज्योत भी खरीदी, अगर आप देख सकते हैं। तो तांबे का लुटिया मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें मैंने यहाँ पे जो धूप बत्ती सब चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से रखी हुई हैं। तो जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल, राधे कृष्णा। जो भी जिस भी तरीके से पूजता है, उनको उन्हीं तरीके से मतलब आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जन्माष्टमी की तैयारी के लिए मैं बनाने वाली हूँ, दूध से बनी हुई कोई मिठाई बनाते हैं, तो मैं अभी के लिए रबड़ी बना रही हूँ, और उसके बाद कोई और मिठाई बनाएंगे या बनाऊंगी तो मैं रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, या फिर हम बाहर से मिठाई लेके आएंगे, कोई भी मावा या पेड़ा, खोए की बनी हुई कोई भी बर्फी आप लेके आ सकते हैं, या घर पे आप बना सकते हैं। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको पूरा ब्रिंग करना है, इसको बॉयल करना है, जब तक ये जितना भी आपने दूध लिया है उसका एक तिहाई ना रह जाए। और उसके बाद आपको इसमें मिला देना है इलायची पाउडर, इसमें बादाम को आप पीस लीजिए बिल्कुल बारीक, उसका पाउडर बना के, काजू का पाउडर, आप केसर मिला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिला सकते हैं, तो रबड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। दूध आ चुका है, तो दूध मैं अभी बॉयल करूंगी, लेकिन उससे पहले हमें शाम को जब हम चरणामृत बनाएंगे, जिसको हम पंचामृत भी कहते हैं, तो उसके लिए हमें दूध चाहिएगा, कच्चा दूध चाहिए होता है, तो वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है कच्चा दूध। कच्चे दूध में आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपने दूध लिया उसका आधा आपको दही लेना है। तो दही मैंने यहाँ पर जमने रखी हुई है, अभी मैंने रात को लेट जमाई थी, तो अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। उसकी आधी इसमें आपको दही मिलानी है, इसमें आपको तुलसी के पत्ते मिलाने हैं, इसमें आप खांड मिलाएंगे, और इसके साथ ही आपको इसमें जो है अपने दूध, दही, शहद आपको मिलाना है, थोड़ी खांड बूरा, और आप जो है तुलसी का पत्ता जरूर मिलाएं, क्योंकि विष्णु जी की जो कृष्ण के अवतार में पूजा होती है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होता है। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को भिगो के रख दिया है रबड़ी में डालने के लिए, और साथ ही केसर, केसर से थोड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये केसर है, तो ये केसर मैंने खरीदा था नेचर हट से, तो ये केसर है, इससे हम बनाने वाले हैं। तो अभी मैं कर देती हूँ दूध को बॉयल, अगर कोई मिठाई बनाई तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही हम बनाने वाले हैं, आपको पता होगा तो धनिये की पंजीरी बनाते हैं, तो मैं आटे की पंजीरी बनाने वाली हूँ। बेसिकली लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई धनिये की बनाता है, कोई आटे की भी बना देते हैं, तो मैं आटे की बनाने वाली हूँ, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ये रबड़ी तैयार हो जाएगी, फिर हम जो है पंजीरी तैयार करेंगे, उसके साथ ही हम प्रसाद जो है वो तैयार करेंगे, और सबकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ये आप देख पा रहे हैं, दूध ऐसे उबलता रहेगा और आपको इसको चलाते रहना है, और ये दूध देखो धीरे धीरे कम होने लगा है, इसको आपको 1/3 तक लेके जाना है, यानी कि 1/3, और धीरे धीरे ऐसे करके आपको रसमलाई बनानी है। आप रसमलाई तब भी बना सकते हैं जब आपको बाकी चीज़ें भी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी हो, जिसमें ज़्यादा चलाने की जरूरत ना पड़े, और साथ साथ आप खाना बना रहे हैं बाकी भी, तब भी आप बना सकते हैं। इसको धीमी आँच पर आपको ऐसे ही उबालते रहना है। ये देख रहे हैं आप, ये जो उबाल आ रहा है तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और लगभग ये आधा हो चुका है जितना दूध हमने लिया था। तो अब मैं इसमें मिला रहा हूँ जो इलायची पाउडर है, वो काजू और बादाम, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसका ये पाउडर बना लिया है, ये मैं इसमें मिलाने वाली हूँ।
और इसको ऐसे ही और चलाते रहेंगे थोड़ी देर। अब ये जो दूध है ये और भी कम होगा और थोड़ी देर में हम इसमें मिला देंगे चीनी। ये आप देख रहे हो दूध ये ऐसे जो बन गई है दानेदार, तो ये भी बनने का प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए रबड़ी तैयार हो चुकी है, मैंने अभी इसमें चीनी मिला दी है। तो चीनी को और इस तरीके से करेंगे हम, इसको मिलाएंगे अच्छे से। और जो ये साइड में जो पपड़ी जमती है, ये मलाई जो जमती है, इसको भी आप साथ साथ उतारते रहें और ये जो चीनी है आप इसको अच्छे से इसमें मिला दें। इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये और गाढ़ा होगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको ठीक ठीक रखनी है। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा बाकी भी प्रसाद की तैयारी अभी हम करने वाले हैं, तो वो भी रेसिपी आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो नेक्स्ट जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे नारियल पाक या पंचमेवा पाक भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि जन्माष्टमी में बनाया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये लोटस सीड यानी कि मखाने, उसके बाद आलमंड एंड कैशू यानी कि बादाम और काजू आप लेंगे, 10 से 20 पीस आप ले सकते हैं दोनों के। मैंने इसको अभी हाफ में काटा है, अगर आप देख सकते हैं, तो आप इसको चाहे तो पूरा का पूरा ऐसे भून सकते हैं या फिर आप इसको और भी छोटे पीसेस में काट के इसको भून सकते हैं। और इसके बाद मैंने ली है किशमिश, और जो मैं नारियल पाक बना रही हूँ उसके लिए मैं ले रही हूँ बिल्कुल फ्रेश नारियल। तो ये मैंने इसमें से पूरा छील के इसको निकाल लिया है, इसका जो पानी था वो आप देख सकते हैं, मैंने छान के ये पानी तैयार कर लिया है। इसको मैं हलवे के प्रसाद में मिलाने वाली हूँ और इससे मैं बनाने वाली हूँ आपका जो है नारियल पाक। आप इसको चाहें तो कट करके बना सकते हैं या फिर कद्दूकस करके, मैं इसको आधा कट और आधा कद्दूकस इस तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं फटाफट इसको अच्छे से वॉश करके इसको आधा कट और आधा कद्दूकस कर लेती हूँ, और उसके बाद हम शुरू करेंगे सभी को रोस्ट करके बनाने की प्रक्रिया। और इसके लिए चाहिए चीनी जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने नारियल को अच्छी तरीके से धोकर इसको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने इस तरीके से इसको कट किया है, और ये मैंने इसको कद्दूकस भी कर लिया है। तो अब हम इसकी मदद से, दोनों की मदद से हम बनाएंगे नारियल पाक। आप चाहें तो नारियल पाक बना सकते हैं जो मैं बनाने वाली हूँ अभी, या फिर जैसे मैं सुबह बात करी थी आटे की पंजीरी की, वो भी आप बना सकते हैं। उसमें भी बस आपको क्या करना है, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं उन सबको आपको फ्राई करना है। आप अलग अलग फ्राई कर सकते हैं इन सबको अच्छे से, उसके बाद आपको आटा को फ्राई करना है, या अगर आप धनिया की पंजीरी बना रहे हैं तो आप धनिया को फ्राई करेंगे, उसके साथ ही आप मिश्री को भी फ्राई कर सकते हैं थोड़ी सी, और उसको आप पीस लेंगे दोनों को। जब आप दोनों को अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को मिला के उसके ऊपर आप तुलसी की पत्ती रख लेंगे। तो सेम अभी हम बना रहे हैं नारियल पाक, तो अभी मैं इसकी रेसिपी तो आपको साथ साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो हम सभी ड्राई फ्रूट्स को भूनने वाले हैं, फिर हम नारियल को भूनने वाले हैं, और इन सबको हम इकट्ठा करके और फिर बनाने वाले हैं नारियल पाक। अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है शाम के 5:30 और 6 बजे के करीब। तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पे पानी पीते हैं जन्माष्टमी का व्रत के लिए। तो वैसे पूरा दिन कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन इस टाइम पे एक टाइम होता है जब आप पानी पी सकते हैं, जब सूरज छिपने का टाइम होता है, तो आप सूरज को मतलब जो भी आप जल देते हैं सूरज को जल चढ़ा कर, और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। तो इस टाइम पर हम पानी पी सकते हैं, तो मैंने बनाया है अभी नींबू पानी जो कि मैं अभी ये पीने वाली हूँ। तो जितना आपकी इच्छा उतना आप पी सकते हो, ये मैंने थोड़ा सादा पानी रखा है। और उसके बाद ये मैं व्रत जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि व्रत की जो नियम है वो मैं ये पूरा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच घी, और उसको मैंने ये बिल्कुल जो है तय गया है, घी बिल्कुल गर्म हो गया है। और इसके बाद हम एक एक ड्राई फ्रूट्स करके हम उसको फ्राई करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ये ले लिए हैं लोटस सीड्स, जिसको आप मखाना बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरा डीप फ्राई, मतलब एक ही बार में आप तेल डालने और उसमें ही आप सारी चीज़ें एक एक करके डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको हल्का हल्का फ्राई करने वाली हूँ, सैलो फ्राई। तो ये थोड़ा सा जब हल्का सा मतलब ब्राउनिश हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को पहले ही कट कर सकते हैं अच्छे से, उसके बाद भून सकते हैं, या फिर जैसे ही अब ये भून जाएंगे अच्छे से तो उसके बाद इनको कट करना, इनको थोड़ा सा तोड़ना, उनको थोड़ा क्रश करना ईजी हो जाएगा। हम इस तरीके से करने वाले हैं, तो आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। जब ये आप भूने तो आप इसको इस तरीके से लेकर और आप इसको तोड़कर देख सकते हैं, ज्यादा गर्म हो हाथ ना लगाएं, ठीक है। और उसको क्रश करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो पक गए हैं अच्छे से,
और साथ ही साथ हम चाशनी भी तैयार करेंगे। तो हम एक पतीले में जो है पानी ले लेते हैं और चीनी ले लेते हैं। चीनी जितना आप लेंगे उसका एक तिहाई आपको पानी लेना है, क्योंकि हमने चाशनी में ये सारा बिल्कुल मिक्स कर देना है। मतलब चाशनी हमें चाहिए नहीं कि कुछ हमें जैसे कि रसगुल्ले या गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं तो उसमें हम उसको पानी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हम उसके लिए उसमें चाशनी में डबो के रखते हैं। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल मिक्स कर देना है। तो जैसे जैसे हमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स हो रहे हैं उस तरीके से हमारी चाशनी भी एक साइड में तैयार हो जाएगी। सात से आठ मिनट लगेंगे चाशनी बनने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बड़ा ही इजी बन जाता है। और जन्माष्टमी के दिन इसको स्पेशली बनाया जाता है। अगर आपका कभी मीठा खाने का मन करता है तो भी आप इसको बना सकते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो ये देखिए, ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच और घी डालेंगे। इसी तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने काजू और बादाम जो हमने लिए थे उनको भी हम अच्छे से जो है इसमें हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप जो ये इस तरीके का पाक बना रहे हैं इसमें अगर आप चाहें तो गोंद भी मिला सकते हैं, जो कि गम जो हम बोलते हैं, जो गोंद के लड्डू भी डालते हैं, गोंद भी बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं उसको, तो वो भी आप मिला सकते हैं। ये देखिए, आपको गैस जो है ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, बिल्कुल धीमी आँच पे भूनना है। ये फटाफट से एक दो सेकेंड में ही ये हो गई हैं, एक मिनट में ही। तो अब इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसी तरीके से भून लेंगे अपनी किशमिश भी। ये ऑप्शन है अगर आप ड्राई फ्रूट्स को भूनना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन इनसे एक टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। किशमिश को ज़्यादा ना भूने। इसको भी हम निकाल लेंगे। Thank you.
ये देखिए कितनी स्वादिष्ट दिख रही है ये बर्फियाँ। तो ये मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। आप चाहें तो ऊपर स्पून की मदद से, कटोरी के मदद से, किसी भी तरीके से इसको अच्छे से सेट कर दें। और मैंने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बिल्कुल पतली लेयर बनाई है। अगर आप चाहें तो मोटी लेयर भी बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मोटी और कितनी पतली बर्फी बनाना चाहते हैं। तो मैं इसकी पतली लेयर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पतला कर दिया है इसको। तो आप मीडियम साइज़ है बेसिकली, ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक सेट होने के लिए रखेंगे और उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा ये नारियल पाक या पंचमेवा पाक, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, जो कि जन्माष्टमी के लिए सबसे स्पेशल होता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मक्खन, जो कि हम दही से बनाएंगे। ये दही है जो आप देख सकते हैं। अगर आप मक्खन बना रहे हैं तो आपको चाहिए ठंडा पानी या फिर आप आइस क्यूब भी ले सकते हैं। इससे पहले एक और ख़ास बात, अगर आपने दही जमाई है तो उसको पहले थोड़ी सी अलग रख लें, आगे भी दही जमाने के लिए, और हम शाम को चरणामृत भी बना रहे हैं उसके लिए हमें दही की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस दही से मक्खन बनाएंगे। आप चाहें तो मिक्सी की सहायता से बना सकते हैं, हैंड ग्राइंडर की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इससे काफ़ी अच्छा बनेगा। तो इससे हम बनाने वाले हैं मक्खन। तो इसका कुछ नहीं करना, इसमें ठंडा पानी डालना और इसको आप ऐसे ऐसे बिलोते रहिए और मक्खन आपका तैयार हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मक्खन। और मक्खन आने के बाद जो नीचे बच जाएगा, जो पानी आपको दिखेगा, वो लस्सी है बेसिकली। उसको फेंके मत, उसको आप लस्सी की तरह पी सकते हैं और मक्खन आप बाद में निकाल सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं थोड़े थोड़े यहाँ पे ये इस तरीके से ये घी बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से आपको मिक्सी में भी दिखने वाला है। अगर आप मिक्सी से बना रहे हैं तो हाँ, मैं हाथ से बना रही हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मैं भी बना दूंगी इसको। तो अभी जैसे बन जाएगा मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। और अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो मिक्सी में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा और फटाफट से आपका मक्खन निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी रात के 12 बज चुके हैं और मैंने प्रसाद के लिए जो है थाली वो तैयार कर ली है। इसमें है माखन और मिश्री। माखन जो मैंने आपको बनाया था, आपको दिखाया था, उसके साथ ही मैंने इसमें मिश्री है। ये है नारियल पाक जो हमने बनाया। तुलसी के पत्ते के बिना जो है हर एक पूजन अधूरा रहता है, तो ये तुलसी का पत्ता है। ये दूध से बनी मिठाई में मैंने रबड़ी बनाई थी, तो ये रबड़ी है। इसके साथ ही मैंने बनाया था हलवा आज, और ये बाहर से लाई गई मिठाई है, बर्फी है। और पंच मेवे में काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और जो लोटस सीड मखाना, तो मैंने 5 तरीके के पंच मेवे यहाँ पे बना दिया है। खीरा और ये केला, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो व्रत खोलते हैं उसके लिए है ये चरणामृत, जो कि हमने 5 चीज़ों से बनाते हैं, पंचामृत बोलते हैं। और इसी से कृष्ण जी का स्नान भी करवाया जाता है। और चावल जो है कृष्ण जी को पसंद थे, सुदामा भी चावल लेके आए थे, तो मैंने चावल की बजाय ये फ्लैटन्ड राइस यानी कि पोहा मैंने बनाया है, इसका भी मैं भोग लगाऊंगी। तो हमारा जो भी सारी पसंदीदा चीज़ें हैं कन्हैया जी की, वो मैंने सारी तैयार कर ली है। अब जब चाँद निकल जाएगा, तो चाँद निकलने के बाद हम जो है चाँद को अर्घ देकर और उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे अपनी, भोग लगा के सारी चीज़ें, और फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। जब भी आप व्रत खोलें तो डायरेक्टली, क्योंकि आप पूरा दिन से भूखे प्यासे रहते हैं, तो आप डायरेक्टली खाना ना खाएं, आप कुछ मीठा लेके और फिर आप पानी पिएं। जैसे कि आप गुड़ ले सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो, या जो भी मिठाई आपने रखी है वो मिठाई आप ले सकते हैं और उसके बाद आप जो है खाना खा सकते हैं। तो आज मैंने खाने में बनाया है मटर मशरूम, और मैंने बनाए हैं पराठे, और पोहा मेरा बनकर तैयार है। तो अब हम पूजा करने वाले हैं। Thank you.